गुरु फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड टू का कल रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में जो सीटें हमें अलॉट हुई हैं, क्या हमें सेंटर पे जाके रिपोर्ट करना चाहिए या फिर हमें रिज़ाइन कर देना चाहिए। इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है। साथ ही साथ कुछ बच्चों का ये भी सवाल है कि सर, हमारी जो लक्ष्य है वो है एम्स, तो एम्स का राउंड थ्री में कितना कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि राउंड फोर में वही बच्चे जाएंगे जिनको कहीं पर भी सीटें नहीं मिली होंगी। तो राउंड थ्री तक एम्स का क्या कट ऑफ हो सकता है, अगर आप देखोगे तो एम्स का भी कट ऑफ काफ़ी नीचे गया है। जैसा कि मैंने कल कट ऑफ का वीडियो भी बना के बताया था कि काफ़ी नीचे कट ऑफ गया है। उसका मेन रीज़न ये था कि बहुत सारे नए कॉलेजेस और नई सीटें ऐड हुई थी, जस्ट राउंड टू की काउंसलिंग से पहले बीच में ही ऐड हो गई थी। अब क्या हो सकता है, सबसे पहला सवाल ये है कि एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में हमें सीट मिली हुई है, हमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं ज्वाइन करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, अगर आप स्टेट कोटा में भी काउंसलिंग कर रहे हैं और स्टेट कोटा में आपको लगता है कि सीटें मिल जाएंगी, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो राउंड टू की सीटें हैं उसको रिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि होगा क्या, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी मनी तो लैप्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपकी स्टेट में आपके चांसेस नहीं हैं और आपको कोई सीट मिली हुई है राउंड टू में, अगर अच्छी सीट मिली हुई है नियर बाई लोकेशन में है, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए और अपग्रेड चूज कर लीजिए। अगर आपको जो सीटें मिली हुई हैं, लास्ट की सीटें मिली हुई हैं, मीन्स साउथ की सीटें मिली हुई हैं, नागालैंड की सीटें मिली हुई हैं, कहीं की मिल गई हैं, जस्ट आपका एडमिशन हुआ है, तो आपको वहाँ पे ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जितना आप समय वहाँ पे पैसा खर्चा करेंगे उतना आपका यहाँ पे टाइम और मनी दोनों लॉस होगा। तो बेटर है कि यहाँ पे रिज़ाइन कर दें, क्योंकि राउंड थ्री में सीटें आएंगी आएंगी 100% आएंगी, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा राउंड टू से बहुत सारे बच्चे स्टेट कोटा राउंड टू में सीटें लेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको इस समय नागालैंड का इंस्टीट्यूट मिल रहा है तो हो सकता है आपको नॉर्थ का इंस्टीट्यूट मिल जाए राउंड थ्री तक, ठीक है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है। मान लीजिए आपको अच्छा एम्स मिल गया है, तो आप उसको जाइए ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके अपग्रेड चूज कर लीजिए। अगर आपका यही मकसद है कि हमें एम्स ही चाहिए और एम्स की सीटें राउंड टू में मिलेंगी, क्योंकि राउंड थ्री में आपको ये नहीं पता कि कौन से बच्चे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। हो सकता है कुछ नए बच्चे भी आ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि राउंड थ्री में डायरेक्टली आते हैं, तो हो सकता है आपकी रिज़ाइन की हुई सीट वो बच्चे आके ले जाएं जो कि आपसे ऊपर रैंक पे है। तो यहाँ पे ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर अच्छी सीट अलॉट हुई है आपको तो ज़रूर उसको ज्वाइन करके अपग्रेड चूज करिए, ये मेरी सलाह है आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये धोखा हो जाता है। तो पहले डिपेंड करता है कि कौन सी सीट किस स्टेट में कहाँ पे किस रैंक पे आपको मिली हुई है। अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो उसको अवॉइड कर दीजिए, आपका जो भी पैसा जाएगा वो ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे रिपोर्ट करोगे उसके बाद डॉक्यूमेंट के साथ कुछ दिन आपका टाइम भी लगेगा, उतना पैसा तो आपको यहाँ भी ख़त्म ही हो जाएगा। तो अगर अच्छी सीट मिली हुई है तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, उसके बाद अपग्रेड चूज़ करिए। दूसरा सवाल ये है कि एम्स का क्या हो सकता है। अभी अगर एम्स का कट ऑफ आप राउंड वन से राउंड टू को कंपेयर करें तो काफ़ी रैंक नीचे गया है, राउंड थ्री में इससे भी नीचे जाएगा। खासकर जो लास्ट वाले एम्स है, एम्स मदुरई है या फिर एम्स गुवाहाटी, इनका कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सीटें मिली हुई हैं वो ज्वाइन करने वाले नहीं हैं। इवन एम्स कुछ और भी एम्स हैं जिनकी सीटें यहाँ पे मॉपअप में आएंगी आएंगी, अच्छे एम्स की भी सीटें आएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे क्या होता है कि पहले एम्स सोचते रहते हैं, बार बार दिमाग फ्लैक्चुएट होता रहता है, और वो फाइनली जाते हैं अपने स्टेट में कोई टॉप कॉलेज ले लेते हैं, एम्स को छोड़ देते हैं कि अदर स्टेट में कौन जाए, ये भी सोच होती है बच्चों की।